मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि तुम झूठ बोलकर जैन को जेल भिजवाए और मैं सच बोलकर उसे आजाद कराई। और हाँ, एक और बात, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तब तक जैन से शादी नहीं करूंगी जब तक तुम जैसे कांटे उसके पैरों से ना निकाल लो। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपनी मर्जी कैसे की जाती है। क्या? और तू उसकी मदद करना चाहती है? एक गल कान खोल के सुन मेरी, आज के बाद इस घर में अगर मनाल का जिक्र भी हुआ तो तेरा वो हाल करूंगा जो मैं उसका करने जा रहा हूं। इरफान, इरफान, तुमने उसे जाने कैसे दिया? मैं FIR कटवा के गया था। झूठी FIR की सजा जानते हैं आप? झूठी FIR? मैं तो जानता नहीं मैं क्या कुछ कर सकता हूं। आपकी साली ने जो आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है उस पे जो कुछ हम लोग कर सकते थे वो अभी हमने नहीं किया, इसे हमारी खामोशी को आप मिठाई समझ के रखो। वो तुमने मुजरिम को छोड़ कैसे दिया बगैर कार्रवाई के? मैं ऊपर तक जाऊंगा। इरफान साहब, हम पुलिस वाले होते हैं, अपना काम पूरे तरीके से करते हैं। आपने जितना ऊपर जाना है आप जाएं, लेकिन एक बात याद रखें, ऊपर हवा कम होती है, सांस लेने में दुश्वारी होगी। जी सही नहीं कर रहे, पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, लेकिन मैं किसी भी कीमत में इरफान के पास नहीं जाऊंगा माफी मांगने के लिए। जितनी कीमतें थी हम अदा कर चुके हैं, अब कोई कीमत रह गई है क्या? लेकिन वो हमें हकीर और कमतर समझता है और हम उसके पैर पड़ने जा रहे हैं वहां पे। क्या हो गया अबाजी को? अबाजी की सोच हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें रोक तो सकते हैं ना? नहीं रुकेंगे, तुम जानते हो। ठीक है, लेकिन मैं खुद को रोक सकता हूं और मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा वहां पे, और तुम भी नहीं जाओगी। I'm sorry, Zain, पर मैं इस वक्त अबाजी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं उन्हें अकेला छोड़ूं? इरफान को जानती नहीं हो तुम, अबाजी वहां पे जाएंगे तो उनकी इज्जत करेगा क्या? इस वक्त अबाजी के साथ हमारा होना जरूरी है ताकि अपनी नजरों के सामने हम उनकी जिल्लत होते हुए देखें। मैं अगर वहां पे उसके सामने हुआ ना, मैं इरफान को कत्ल कर दूंगा। कर देना ठीक है, पर अगर तुम नहीं होगे वहां पर तो वो अब्बा जी के साथ क्या करेगा, क्या कहेगा, कौन जाने? अब्बा जी तो हमें नहीं बताएंगे, हमेशा अपने दिल में रखेंगे। तो अब्बा जी को जाके बताओ कि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी ये सजा दी उसने मुझे। बोलो जाके उनसे। जैन वही सजा खत्म करने आए हैं अब्बा जी। क्या मतलब, क्या बातें कर रही हो तुम? जैन, जो लड़ाई हम लड़ नहीं सकते उसमें हार मान लेना जी जैसा ही है। ठीक है, तुम लोग जाओ, जी तो जाके अपनी आंखें और अपना सर झुका के, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, समझी तुम? अभी तो ये जख्म भी नहीं भरे जो किसी कसूर के बावजूद भी उस शख्स ने मुझे दिए हैं। बोल दो बच्ची से कि कम से कम इन चोटों का दर्द तो खत्म होने दे।
अब और मुझ पे हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं। मेरी एक बात गौर से सुन ले, अब ना मैं किसी से बात करूंगी ना मिलूंगी। मैं अपना घर नहीं तोड़ सकती उस पागल लड़की के पीछे। किस चीज का बना हुआ है घर तुम्हारा, कागज का? अम्मी आप ही गुस्से में हैं। हाँ तो क्या हम खड़े हो जाएं? हाँ अब पता चलेगा आप सब लोगों को, जाके कहना आप उस पागल से कि चलाए इस घर को। घर के पांव थोड़ा होते हैं जो चले। अम्मी चुप कर जाएं। जो मर्जी हो जाए मुझे कोई फोन ना करे। आप ही मेरा स्कूल, जाके पूछना ही अपनी मनाल आप ही से, वो बता देगी। बहुत ज़हीन है, हर सवाल का जवाब आता है उसे। जी बिल्कुल, उसकी ज़हानत के नतीजे अब आप लोग सब देखेंगे। आज के बाद हर सवाल का जवाब मनाल देगी। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस घर के साथ। उतरे। इरफान जब निकाल देना तो मुझे फोन करना, मैं लेने आ जाऊंगी। अम्मा आ जाएं। इरफान फेल हो गया, अफसोस करने चले? एक ही बार पुरसे पर जाएंगे अम्मा, बार बार क्या जाएं? बार बार जाने से अफसोस नहीं होता क्या? फीरा भी कह रही थी अब जो भी होगा उसका जवाब मिनाल आपी से लेना। बारहवीं फेल और अब शादी में भी फेल। कह रही थी कि अब घर वगैरह सब मिनाल आपी चलाएंगी। मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। तेरी किस्मत नहीं, तेरी टाइमिंग खराब है। अगर किस्मत खराब होती ना तो तू अभी तक जेल में सड़ा होता। ज़हनी तौर पे अभी भी जेल में ही हूँ मैं। अच्छा मुझे फोन पे इतना समझ नहीं आया था, हुआ क्या था एक्चुअली? इरफान साहब ने हम पे झूठा केस किया है कि हमने मनाल को अगवा किया। घटिया आदमी, ना कर यार। हाँ बताऊंगा तुझे डिटेल, लेकिन अभी मैंने तुझे अपने काम के लिए बुलाया। हाँ बता। तेरा किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर से जान पहचान है कोई? हाँ एक सेंट्रल हॉस्पिटल में दोस्त होता तो था। क्यों यार? मुझे एडमिट होना है अभी। लेकिन क्यों? तफ्तीश बाद में कर लेना, अभी हम चले। देख भाई अगर तो वहां डेविड हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर एडवांस में सॉरी। कोई झूठा एडमिशन तो होगा नहीं, जगह जगह से तोड़ा है उन्होंने मुझे। तो पहले बताता ना यार, मैं तुझे खुद जाके एडमिट करा के आता। चल उठ, ज्यादा चल उठ मेरा भाई। ठीक है यार, ये डीआईजी तो कुछ और कहानियां सुना रहा है। सब बकवास है, वो मिले मैं सबके साथ। ये तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, और रास्ते खत्म हो गए थे क्या? मैं तो फिर एक ही काम जानता हूँ, पता है तुझे। यार दुश्मन को हमेशा गोली से नहीं कभी कभी प्यार से भी मारा जाता है। वो प्यार शायद हम नहीं जानते, हम तो 2+2=4 वाले लोग हैं। प्यार करने वाले और कातिल दोनों को गिनती की आदत नहीं होती, गिनती गिनने लगे तो अपना काम कभी ना कर सके। ओ यार तू चक्कर ना दे, मैं तुझसे यहां मदद मांगने आया, तू मुझे किसी और रास्ते पे डाल रहा है। मेरी मानोगे? प्लान क्या है? गारंटेड
कामयाब नुस्खा है। ओ यार, फिर वही नुस्खे वाली बात। पर तू नुस्खा बता, फिर देखूंगा काम करना है कि नहीं करना। अजीब मरीज हो, डॉक्टर से अपनी पसंद का नुस्खा लिखवा रहे हो। ओ ठीक है भाई, तू कुछ ना कर, मैं साले को डायरेक्ट ही गोली मार देता हूँ। और साली का क्या करोगे? ये रहा फ्रूट, ये ड्रिप्स, इंजेक्शंस, अब लग रहा है कुछ बीमारों वाला माहौल है। तेरी चोटें थोड़ी कम नहीं लग रही? जाके डेविड से जाके पूछ कहाँ कहाँ लगी है मुझे। चिकर ना भी लगी होती तो हम बना देते चोटें। मैंने तुझे कहा तो था कि डेविड के होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा बात सुन, तूने मेरा एक काम करना है। मेरी बहन को तूने मैसेज करना है और ये बताना है कि मैं कहीं रास्ते में सड़क में कहीं गिर गया था और मुझे चोटें लगी और मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। वेरी नाइस, बहुत आला, कितने इजी है आप। मैं पूरा पूरा नहीं फंस रहा यार। मेरी गारंटी है ना, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे क्या होगा। अच्छा एक बात तो बता, ये सब जो तू कर रहा है इससे डैड मना हो जाएंगे? पता नहीं यार, लेकिन कम से कम जाने से तो बच जाऊंगा मैं। तू नहीं जाएगा तो डैड जाएंगे, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। हाँ लेकिन ये सब इसीलिए कह रहा ना था कि ना जा पाऊं। ओके अच्छा बात सुन, तू प्लीज मेरा काम तो करना। मरियम को तुझे मैं नंबर SMS करता हूँ, बल्कि साथ में SMS भी तुझे लिख देता हूँ, वही तू आगे फॉरवर्ड कर दे। बहुत अलग कर दूंगा, मैं अभी जरा डेविड से मिला हूँ, ठीक है? सुन सुन, थैंक यू, बोलने की जरूरत नहीं ना मुझे। नहीं अभी अकाउंट में जमा कर ले, एक साथ ले लूंगा तेरे सारे थैंक यू। आ रहा हूँ मैं। क्या जरूरत थी जैन? अपा तो फिर भी नहीं रुकेंगे। लेकिन मैं तो वाकई एडमिटेड हूँ। वो तो फिर भी जाएंगे। इस तरह करने से सिर्फ तुम्हारी बचत हुई है जैन, याद रखना। ना जाकर इससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान होगा तुम्हारा। हाँ भाई, क्या बात है? ये हमजा और माँ जी नजर नहीं आ रहे। घर छोड़ाई उनको मैं। घर छोड़ाई क्यों? आपका हर वक्त मूड खराब रहता था ना। ना किसी एक शख्स की सजा दूसरे को क्यों दे रही है? जाके माँ जी और हमजा को ले आ। जी? और मैं कोई फारसी थोड़ी बोल रहा हूँ। जाके लेके आ हमजा और माँ जी को। नहीं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, उसे भी एहसास होना चाहिए कि बोझ क्या होता है। वो बीमार है और बीमार आदमी को कुछ नहीं समझ आती, पर मैंने उसका इलाज ढूंढ लिया। मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो किस बात का यकीन करना है तूने? कि आपने उसे माफ कर दिया? उसने तो बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी आपसे। वो तो मैं उसके कान खींच ही लूंगा, पर उसका इलाज कराना अभी सबसे जरूरी है। I agree. मैं आपसे कह रही थी ना कि उसके लिए कोई बहुत अच्छा सा डॉक्टर तलाश करना पड़ेगा।
वो तलाश कर लिया मैंने उसका इलाज, तू बेफिक्र हो जा, कहाँ कहाँ याद करेगा तेरा कराना मुझे। मैं मानती हूँ इरफान, आपके बहुत एहसान आते हैं हम पर। कौन से डॉक्टर से बात कर रहे हैं? पता चल जाएगा तुझे, एक बारी मर्ज पकड़ा जाए तो इलाज ढूंढना कौन सा मुश्किल होता। साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आप क्या सोच रहे हैं? और तू अपना दिमाग इस्तेमाल ना कर, मैं जो सोच रहा हूँ अच्छा ही सोच रहा हूँ। आई समझ? जो कह रहा हूँ करती जा खामोशी से। आ अगर उसका जनाजा भी होता ना तो मैं वो भी रुकवा के चला जाता। अब्बा जी, जैन वाकई अस्पताल में है। तुम दोनों बहन भाई मुझे बेवकूफ समझते हो हा? बाप हूं मैं तुम्हारा, रातों रात का ट्रक आके गुजर गया उसके ऊपर से। अब्बा जी, जैन को पुलिस ने लॉकअप में बहुत मारा था, हम वहां से सीधा घर वापस आए हैं। अच्छा जो भी है, मैं इरफान साहब से बात करने जा रहा हूँ, अब इस किस्से को खत्म होना चाहिए। चले जरूर जाइए, लेकिन जो सारे तमाशे की बात है ना, ये आप इरफान से करेंगे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है इरफान का किया था। और तुम्हारा भाई दूध का धुला हुआ है, मासूम है, हैं? अब्बा जी, आपको सच बताऊं, जैन आपके साथ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो आपकी बेइज्जती देख नहीं सकता। कौन करेगा मेरी बेइज्जती? इरफान, क्योंकि इसके अलावा उसको और कोई जुबान नहीं आती। चलो दो लफ्ज कह लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम मिट्टी हैं मरियम बेटी, और मिट्टी पैरों में ही रहती है, अगर उड़ के सड़ पे चली जाए तो लोग झाड़ के जमीन पे दोबारा वापस फेंक देते हैं। मैं माफी मांगने नहीं जा रहा, ये मानने के लिए जा रहा हूं कि मैं मिट्टी ही हूं। ठीक है, मैं आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटा, बड़ी मेहरबानी, ले जा। खानदान की भाभी जी आई हैं। सलाम साहब जी। हाँ भाई अहमदीन, अचानक आने वाले खैर की खबर लेकर नहीं आते, बैठ। बस साहब जी, अपनी शर्मिंदगी का बोझ उठाए चलते चलते यहां तक आ गया हूं। मैं सोच ही रहा था कि तुम तक तुम्हारे बेटे के कारनामे कब और किस तरह पहुंचेंगे। खैर से शहर आके बड़ी तरक्की कर गया। मेरा सर झुका हुआ है साहब जी, कोई भी लफ्ज नहीं कहूंगा अपनी सफाई में। सफाई तो करनी पड़ेगी अहमद, तुम्हारा पुत्र गंदे पैर लेके हमारे घर के अंदर तक पहुंच गया। ये शायद सच नहीं है फान साहब। मरियम ना ना अहमदीन ना, बोलने दे से, अभी तक खानदान की इज्जत ही है ये। बड़ी इज्जत हो रही है इस इज्जत की। फान साहब, आप जानते हैं सारा कसूर किसका है, उसके बावजूद मेरे अब्बा जी खुद चलकर आपके पास आए। ना तो अपने अब्बा जी से ही सीख लो, जोड़ ना सके उसे चलना ही पड़ता है। बस
आप हमें माफ कर दें साहब जी। अहमदीन, अच्छा होता कि तेरी जगह इस वक्त तेरा बेटा होता। उसका या ना होना इस बात का सबूत है कि बात अभी खत्म नहीं हुई। अपनी मर्जियों के नतीजे भुगत रहे हैं, इस वक्त मसरूफ हैं। दरवाजा खोलो मनाल, वरना क्या? ये दरवाजा तुमने खुद बंद किया है। सड़क पर छोड़ के गई थी ना तुम अमर हमजा को। एक बात पूछूं इरफान साहब? हाँ पूछो। चुप हो जा मरियम, चुप हो जा। हम यहां सवाल करने नहीं, जवाब देने आए हैं। ना अहमदी, ना बोलने दे मरियम को। पता तो चले कि तुम लोग यहां क्या क्या लेकर आए हो। हमने क्या लेकर आना है साहब जी? हम तो बस माफी की दरख्वास्त लेकर आए हैं। अपने पुत्र को लेकर आए अहमदीन। जो माफी तू मांग रहा है वो मैं उससे मांगते हुए देखना चाहता हूं। मनाल, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ अम्मा और हमजा को लेने आई हूं बस। तो तुम भी सुन लो, दरवाजा नहीं खुलेगा क्योंकि अब इस घर की मालकिन मैं हूं। तुमने ही कहा था ना कि सारे जवाब मनाल से लो, तो सुन लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। इरफान मर गया तो पुरसा देने चले। अम्मा इसे के दरवाजा खोले। वाह, अब अम्मा दरवाजा खोले। पहले जब अम्मा कहती थी तो कहती थी अम्मा अब चुप कर। अम्मा, अम्मा। अफीरा को कहो दरवाजा बंद है, बाहर आके खोले। मनाल, मैं अम्मा को लेने आई हूँ, दरवाजा खोलो। रुकिए इरफान साहब, बात अभी होगी वरना कभी नहीं। मरियम। अब्बा जी, अब अगर बात यहां तक आई गई है तो खत्म करके जाएंगे। इरफान साहब, मैं जैन को बुलवाती हूँ, आप अपनी सालिम मनाल को बुलवाइए। यहां सिर्फ एक के नहीं दो लोगों के हाथ जुड़ेंगे अब। और चुप, बदतमीज। माफी मांग इरफान साहब से। और मैं कहता हूँ मांग माफी। किस बात की माफी मांगू अब्बा जी? इरफान साहब से कहें अगर इतने सच्चे हैं तो बुलवाएं अपनी साली को यहाँ पर। जिसकी इज्जत के मुहाफिज बने फिरते हैं वो तो इनका नाम तक सुनना गवारा। अहमदीन, बेटी को फौरन चुप करा और ले जा यहाँ से। साहब जी, मेरी उम्र का ही ख्याल कर दे, माफ कर दे इसे। अब्बा जी, अभी माफी ना मांगे, पहले पूरा सच तो जान लीजिए, फिर फैसला होगा कि किसे माफी मांगनी है। और मेरे सर में मट्टी ना डालो तुम दोनों बहन भाई। चलिए, आप शायद ना बुलवा सके मनाल को, मैं ही लेके जाती हूँ अब्बा जी को उसके पास। चलिए अब्बा जी, चलिए। मरियम, एक बात याद रखना, अगर तुम मनाल की तरफ गई तो बहुत पछताएगी। क्या करेंगे, तलाक दिलवा देंगे ना? ओए ना कर मरियम बेटा, ना कर। अब्बा जी, हमारे साथ ज्यादती हुई है और कसूरवार भी हमें ठहराया जा रहा है। मैं आपको सच तो बताऊं कम से कम। चलिए। मनाल, दरवाजा खोलो। ऐसा करो, तुम लोग जमा करो और ये दरवाजा तोड़वा दो, क्योंकि दरवाजा मैं खोलने वाली नहीं हूँ। मनाल, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, दरवाजा खोलो। अपने शोहर से कोई ना कोई नई हिदायत लेकर आई होगी ना, वरना तुम तो लातालुक होकर चली गई थी।
अफीरा, तुम लोग जंगल में नहीं रहते। अगर ये सब तमाशे करने हैं ना, तो घर बदल लो। मेहरबानी करो हम पे। क्या हुआ? इरफान को अपनी जूतियों पे अब्बा जी का नहीं, तुम्हारा झुका हुआ सर चाहिए। अब्बा जी, मैंने आपको कहा था ना वहां पे नहीं जाना आपने। अब ये इन बातों का वक्त नहीं है, हमें मनाल के घर जाना है। लेकिन क्यों? सच बताने के लिए। काश मौत बंदे के अपने हाथ में होती तो मैं उसी वक्त मर जाता। लेकिन उस इरफान ने कहा क्या है? मरियम, तूने बाप की पगड़ी रोल दी है पैरों में। तो क्या उन्हें झूठ बोलने देती, आपकी बेइज्जती करने देती? आपको सच बताना बहुत जरूरी है अब्बा जी। आपसे मैंने कसम ली है, आप सारा सच जानेंगे। फिर आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। पर मरियम, मनाल की तरफ जाने का मतलब समझती हो? हाँ जानती, सच सामने आ जाएगा। तुम वहां भी ना जाना चाहो तो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन मैं सबसे लड़ लूंगी अब्बा जी के लिए। हेलो जी, लेकिन मनाल दरवाजा नहीं खोल रही है, तमाशा लगा दिया उसने। क्या क्या वाकई? मैं आपसे कह रही थी ना कि आप मुझे रुकने दें। अच्छा आप बताएं, मैं यहां कब तक रुकूं? ठीक है फिर मैं यही हूं, आप फिक्र ना करें। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई है यहां आकर। आखिरी उम्र में इज्जत नीलाम हो रही है मेरी, और वो भी अपनी औलाद के हाथों। बाजी, बाजी, प्लीज अब ये बातें मत करें। जितनी बार आप ये बात करें, मेरा दिल कर रहा है मैं उस इंसान को छोड़ो नहीं जिसने आपके साथ ही सब कुछ किया। मेरे साथ जो किया है वो तूने किया है बेटा, इरफान ने नहीं। ले अब अपने आप से बदला ले, लेट यहां। यही सच बताने के लिए तो ले जा रही हूं आपको अपने साथ। नहीं जानना मुझे कोई सच। सच बता रही है, यही सच बहुत है कि मैं अपनी औलाद के हाथों जलील हो रहा हूं। सिर्फ एक बार अब्बा जी आप हमारे साथ चलें, आपको यकीन आ जाएगा कि आपकी औलाद ने आपका सर कभी नहीं झुकाया। लेकिन मरियम, मनाल फिर पीछे पड़ जाएगी हमारे। तुम यहां आराम करो, मैंने उसके घर का पता ले लिया आंटी से। चले अब्बा जी, आ जाए। मैंने कहा ना मैंने नहीं जाना। अब्बा जी हम वहां से इरफान के पास जाएंगे, आपको माफी मांगनी थी ना, हम मिल के माफी मांगेंगे, लेकिन एक बार असल मुजरिम का पता तो चले। चले आए। मरियम, मैं भी आ रहा हूं। मुझे मालूम है तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो, और तुम जिस काम के लिए यहाँ पे खड़ी हो उसका मुझे पता करने की कोई जरूरत नहीं।
वैसे तो इज्जत नामी लफ्ज से तुम लोग वाकिफ ही नहीं हो, लेकिन अगर एक लफ्ज भी और कहा तो इज्जत का लफ्ज अपने हाथ से लिख दूंगी। क्या हो गया बेटा? घर आए दुश्मन की भी इज्जत की जाती है, फिर हम तो तुम्हारे अपने हैं। कौन से अपने, कहां के अपने? मुलाजिम और मालिक में बहुत फर्क होता है। अगर किसी हादसे की वजह से बड़े घर में चली गई हो तो अपनी असलियत मत भूलो, और अगर भूल गई हो तो आंख उठाकर देखो कि कहां की हो। मरियम बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। आप लोग अभी इसी वक्त यहां से वापस चले जाएं। जाएंगे, लेकिन मनाल से मिले बगैर नहीं। एक और कदम उठाया तो मैं दोबारा पुलिस को बुला लूंगी। ठीक है, लेकिन हम मनाल से मिले बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। मनाल, 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 मनाल। जैन, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह किसी की बहू बेटी का नाम नहीं पुकारते। चलो चलो, आ जाओ। रुक जाओ मनाल। अब कैसे रुक जाओ? अगर तुम्हारी जगह मौत भी होती तो उससे भी कहती रुक जाओ थोड़ी देर। आप मिनाल बेटी हो? जी। मैं अहमद दीन हूं बेटी, जैन और मरियम का बाप। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटियों से यूं बाहर या सड़क पे बात करना मुनासिब नहीं लगता, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ देर बात कर लें कहीं बैठकर। अंकल आप लोग अंदर चले, आई प्लीज। नहीं, तुम्हारी बहन ऑलरेडी काफी तमाशा कर चुकी है, अब अगर हम घर गए तो। मैं कह रही हूँ ना, कुछ नहीं होगा, आप लोग अंदर आए। बहुत तमाशा हो चुका है मिनाल, बेहतर होगा अगर हम कोई मुनासिब जगह देखकर बैठ के बात कर लें। अच्छा चले, जहां मर्जी चले। नहीं बेटी, पहले अपने घर वालों से इजाजत लेकर आओ फिर चलना। अंकल इस वक्त मेरे सामने जो है उसके लिए तो मैं सारी दुनिया को इनकार कर चुकी हूँ। लेकिन बेटी। अब्बा जी, हम यहीं बैठकर बात कर लेते हैं कहीं पर। ठीक, आओ। दुनिया के सामने जलील करवा कर रख दिया है। सारी दुनिया फारिग हो गई है, उसे कोई काम नहीं। हाँ हो गई है, क्योंकि जिस किस्म की जिल्लत इस लड़की ने हमारी नसीब में लिख दी है ना, उसको तो लोग रुक रुक कर देखते हैं। अंधे कैसे देखेंगे? जिल्लत को सुन सकते हैं क्या? कितनी खुश नसीब है आप अम्मा, आपको कोई होश नहीं है। शुक्र है खुदा का, मैं तो आपको लेने आई थी और मुझे क्या क्या भुगतना पड़ गया यहाँ। अगर मैं इतनी जरूरी हूँ तो फिर छोड़ती क्यों हो मुझे? हेलो जी इरफान जी, आए थे और वो तमाशा हुआ है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों ना बोलूं मैं, क्या मतलब?
जी जी मैं आती हूँ। ओके खुदा हाफिज। चले अम्मा इस बार पक्का इंतजाम करेंगे अब इसका। हम इस बार सीमेंट लगाओगे? आप बस देखती जाए। क्यों देखती जाऊं? आंख बंद कर दी तो क्या होगा? आप ही का मजा रह जाएगा अम्मा। नहीं तो अब ये फिल्म नहीं रुकने वाली। फिल्म? फिल्म तो क्या हुआ, मैं अगले शो में चली जाऊंगी तुम्हारे अब्बा के साथ। एक फिल्म मैंने 5-5 बार देखी। लेकिन ये फिल्म एक ही बार चलेगी अम्मा। चलो जी हमजा को हम स्कूल से ही ले लेंगे। ठीक है चले अम्मा। मनाल का वो जहां कहीं भी है आ जाएगी। उसके जाली ससुराल वाले आए हैं ना, जब वो जाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। तुम्हारे तो असली है ना? हाँ माँ बिल्कुल असली है। संभल एक सेकेंड। चल अंकल आपसे कैसे कहूँ, जिसे आप लोग कसूर कह रहे हैं मेरे लिए वो जिंदगी है। तुम ठीक कह रही हो, तुम सच्ची होगी, लेकिन तुम्हारे सच की वजह से जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका तुम्हें अंदाजा है क्या? मुझे सब पता है, और उसके जवाब में जो मैंने उसके साथ किया है उसका आप लोगों को नहीं पता। देखो बेटा हमने किसी से लड़ाई नहीं करी, हम कमजोर लोग हैं, इज्जत के सिवा हमारे पास कुछ नहीं था, सो अब वो भी नहीं रही। अंकल मैं मजबूर हूँ, मरने का तो सोच सकती हूँ लेकिन अब वापस जाने का नहीं सोच सकती।